हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी का स्वागत है मेरा खोस यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ, आज हम पढ़ाएंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का पार्ट थ्री, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि आपको एक स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। वही स्टोरी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे वो स्टोरी के बाद, ठीक है। तो स्टोरी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो स्टोरी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि आप अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में क्या है? हिमालय माउंटेन्स है। तो हिमालय माउंटेन्स कैसे क्रिएट हुआ ये तो अभी हमको जानना है ना। कभी कभी एंट्रेंस में पूछ देते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं, भाई आप हिमालय के साइड में हो, मतलब आप हिमालय में रहते हो, ठीक है, कश्मीर में रहते हो, तो आपको सवाल आ जाएगा कि हिमालय भाई कैसे क्रिएट हुआ, बताओ थोड़ा हम ब्रीफली डिस्कस, ठीक है। तो आज हम ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, छोटा बेसिक। तो बात ऐसी है कि 2000 साल पहले की बात है, ठीक है। उस टाइम जो राजा थे, उस टाइम जो किंग रहते थे वहाँ पर, किंग का मतलब क्या, वो राजा नहीं, और राजा का नाम था वर्ल्ड, ठीक है। तो जो राजा थे, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों टाइप्स के वर्ल्ड हैं, ठीक है। पहला जो आप देख रहे हैं वो कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, और नीचे वाला जो वर्ल्ड है वो कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? जो नीचे वाला जो है ना वो करेंट वर्ल्ड है, मतलब अभी अभी का जो वर्ल्ड है, ठीक है, जो कि पार्ट पार्ट होकर डिवाइड करके यहाँ पर रखा गया है इसको, ठीक है। आप पूछेंगे कि भाई ये कैसा है, ये कैसा है, इसके बारे में ही हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो जो 2000 साल पहले जो राजा थे, ठीक है, वो कैसे दिखते थे? वैसे दिखते थे, ठीक है। तो उसका तो ये तो ओरिजिनल पिक्चर है, उसका मैं एक डेमो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा वो हमारा लैंड, ठीक है, क्लियर। तो उस टाइम जो हमारा वर्ल्ड था ऐसे पार्ट पार्ट होकर नहीं था, एक ही लैंड था, एक ही लैंड में सब कंटिनेंट्स वगैरह रहते थे, ठीक है। लेकिन अभी का जो वर्ल्ड है पार्ट पार्ट हो गया है, वही वजह हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो आप देखिए, उस टाइम जो इस लैंड वाला एरिया को हम क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो पेंजिया कहते थे लैंड वाला एरिया को, एंड जो वाटर वाला एरिया है उसे हम क्या कहते थे? पेंथलासा, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंट्रेंस में आ सकता है कि लैंड वाला एरिया को क्या कहते हैं? पेंजिया, एंड वाटर वाला एरिया को पेंथलासा, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, आप अगर सुनकर याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो दिन आते हैं हम, ये जो लैंड वाला एरिया है ना, इसकी ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा का हम क्या कहते हैं? अंगारा लैंड, ठीक है। आप देख सकते हैं अंगारा लैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इसका ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। एंड जो नीचे वाला हिस्सा है क्या कहते हैं हम? गन वाला लैंड। क्या कहते हैं? गन वाला लैंड। तो फंडा क्लियर, ऊपरी वाला हिस्सा को अंगारा लैंड एंड नीचे वाला हिस्सा को गन वाला लैंड, ठीक है। इसके साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी बताने चाह रहा हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका ऊपरी वाला और नीचे वाला हिस्सा को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। आप याद रखिए, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसमें आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि आप पर क्या लिखा है, ठीक है। देन आते हैं हम, एक बात बता देता हूँ कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, गोंडवाना लैंड में हमारा इंडिया है, ठीक है, जैसे कि इंडिया भी है, और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे कुछ कंट्रीज वगैरह इस साइड में रहते हैं। उस साइड में कौन कौन रहता है? जैसे कि हो गया हमारा अमेरिका, यूरोप, ऐसे कुछ, ठीक है, क्लियर। आपको फंडा क्लियर आ गया ना, ठीक है। देन हम आते हैं क्या कि ये जो एक लैंड था, वर्ल्ड तो ऐसे दिखता था, लेकिन ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो इसके तीनों वजह हैं, गौर से सुनिएगा, तीनों वजह हैं। क्या क्या? पहला जो है वो वेदरिंग, एंड दूसरा जो है वो इरोजन, एंड तीसरा जो है वो डिपोजिशन। हालांकि मैंने ये तीनों यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि ये तीनों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ब्रीफली डिस्कस
करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो शायद इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन आपको समझने के लिए मैं जरूर बताएंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है, मान लीजिए एक सब्सटेंस, ठीक है, ये सब्सटेंस मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, ये सब्सटेंस किसी भी तरह मतलब फिजिकली एंड बायोलॉजिकली एंड केमिकली, तीनों की वजह से अगर ये किसी भी तरह ब्रेक हो गया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, वेदरिंग, ठीक है। तो एक सब्सटेंस जो तीनों चीज़ों के कारण ब्रेक हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। देन आ गया हमारा इरोजन, अगर किसी भी तरह ये जो पार्ट है, ये टुकड़ा है, ठीक है, किसी भी तरह मतलब विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा, ठीक है, और आइस के द्वारा ये यहाँ से अलग होकर यहाँ पे किसी और जगह गिरेगा, ठीक है, किसी और जगह चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, वो जो टुकड़ा यहाँ पर आकर डिपोजिट हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। क्लियर फंडा, क्लियर, तीनों आप क्लियर हो गए, ठीक है। अगर आप इसको ब्रीफली जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन आते हैं हम क्या, हमारा जो ये कैसे अलग हुआ, ये तीनों की वजह से, ठीक है। तो ये तीनों की वजह से यही बीच से क्या हुआ, वेदरिंग हो गया, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक होके इरोजन हो गया, इरेज होके यहाँ से, ये तो वाटर है ना, ठीक है, यहाँ पर चला गया, ठीक है, यहाँ से चला जाके ये जो पार्ट है इसमें जाकर टकराया है, ठीक है, कॉलिजन किया, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट जो है ये यहाँ पर इरेज होके यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर वेदरिंग हो गया, देन इरोजन हो गया, देन यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, फंडा क्लियर। ऐसे ही हुआ क्रिएट माउंटेन, ठीक है, एंड हिमालय। तो हिमालय कैसे क्रिएट हुआ ये आपको मैं थोड़ा पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है। तो देख लीजिए कि मान लीजिए ये समुंदर है, ठीक है, ये है समुंदर, ये, ठीक है, एंड समुंदर इस साइड में जो है ये गन वाला लैंड है, मान ये, ठीक है, एंड ये जो साइड है ये क्या है, लूरेशिया लैंड, कौन, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है वो लूरेशिया लैंड, ठीक है, ये गन वाला लैंड एंड ये लूरेशिया लैंड, ठीक है। तो ये जब गन वाला लैंड इधर से इरेज होके गया इधर डिपोजिशन होने के लिए, तो ये यहाँ से धीरे धीरे गया, ठीक है, मूव होता गया यहाँ पर, ठीक है। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, ये जो सी है ना, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि जो गन वाला लैंड जा रहा था किस रास्ते पर जा रहा था, कौन सा सी के ऊपर जा रहा था, ठीक है, उसका आंसर ये टेथिस सी जो है ना, ठीक है, ये बीच वाला जो है ये टेथिस सी है, ठीक है, टेथिस सी के बीचों बीच ये गया एंड लूरेशिया लैंड में टकराया, कोलिजन हो गया, ठीक है। देन क्या हुआ, माउंटेन क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पिक्चर, ठीक है। देन सेकंड पिक्चर में आप आ जाइए, जब ये धीरे धीरे पास आने लगा, गन वाला लैंड धीरे पास आने लगा, ये तो समुद्र है ना, समुद्र के नीचे भी तो लैंड होगा ही, नहीं तो वो कैसे स्टैंडिंग रहता है, ठीक है, उसके नीचे भी लैंड है, ठीक है, मिट्टी है। तो जब वो पास आते गया तो उसका जो नीचे जो भी मिट्टी था वो क्या हुआ, ऐसे कुछ पहाड़ी जैसा बना गया। आपको एग्जाम्पल में दे सकता हूँ कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर मिट्टी है, ये एक सरफेस है, यहाँ पर मिट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक हाथ रखते हैं, यहाँ पर एक हाथ रखते हैं, ठीक है, इसको आप पास लाइजिएगा, ठीक है, धीरे धीरे पास जब आएगा तो वहाँ पर जो मिट्टी होगा ना वो धीरे धीरे पहाड़ जैसा बनता जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बचपन में किया है तो आप में भी किए होंगे, ठीक है। तो ये पहाड़ जैसा ऐसे कुछ बना रहता है, फंडा क्लियर। देन क्या होता है, जब ये पूरा पास आ जाते हैं, ठीक है, ये जो मिट्टी है ये माउंटेन जैसे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब ये गन वाला लैंड, ये तो छोटा चीज नहीं है ना, बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, जब ये टकराया लूरेशिया लैंड के साथ तो क्या हुआ, ऐसे ही कुछ पहाड़ बन गया, हला, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, माउंटेन क्रिएट हो गया,
फंडा क्लियर। तो हिमालय कैसे क्रिएट हुआ? ऐसे ही, ठीक है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन के द्वारा, ठीक है। गनवाला लैंड और लोरेसियन लैंड कॉलिजन, क्लियर। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे कि सब चीज़ जानते हैं कि सी के अंदर जो भी मिट्टी है वो तो फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो हिमालय में जो भी मिट्टी है वो किसकी मिट्टी है? समुंदर की मिट्टी है। तो समुंदर की मिट्टी है तो वो फर्टाइल है कि नहीं? ज़रूर है फर्टाइल, ठीक है। तो उस साइड में क्या, हमारा वेजिटेशन बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा से होता है, क्योंकि उसकी मिट्टी जो है ना, हिमालय की मिट्टी समुंदर की मिट्टी है। फंडा क्लियर। तो ओवरली आप ये सब समझ गए, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी कर दें, ठीक है। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।